नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैसी न्यूज अपडेट्स पर। आज की वीडियो में बात करते हैं, सभी राज्यों का राशन कार्ड अब ऑनलाइन बनेगा। अभी तक जो पोर्टल था अलग अलग था राज्यों का, लेकिन अब जो है इसका पोर्टल अब एक हो गया है। इस पोर्टल को आप देख सकते हैं https://nfsa.gov.in। इस पोर्टल के माध्यम से आप किसी भी राज्य के, आप जिनका भी राशन कार्ड नहीं बना है, क्योंकि अभी हाल में सुने होंगे कि काफ़ी राशन कार्ड सरेंडर किए गए थे, जिनके पास चार चक्का वाहन था, एसी था, इन सब का राशन कार्ड सरेंडर किया गया था। तो ऐसे में तमाम जहाँ भी राशन कार्ड बनता है, जहाँ गल्ला लेते हैं, वहाँ पे राशन कार्ड जो सरेंडर किए हैं वहाँ पे वो खाली हो चुका है। तो इसलिए अब नई साइट बन गई है, नया पोर्टल। तो जिसको भी, चाहे वो CSC केंद्र से भरना चाहे, चाहे खुद के पोर्टल से, अपने ऑनलाइन अपने से भी कर सकते हैं, वहाँ भी दोनों ऑप्शन दिखेगा। आइए आपको पेपर कटिंग माध्यम दिखा देते हैं और साइड पे भी आपको खोल के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है वेलफेयर अपडेट, इच्छुक लोग विभाग की वेबसाइट पर करें ऑनलाइन आवेदन। आपको वेबसाइट में बता दिए हैं, फ़ोटो कार्ड जरूरी, आय प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। जो यहाँ पे मूलभूत चीज़ें उसको देख लीजिए, फ़ोटो कार्ड जरूरी, आय प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। राशन कार्ड के लिए करें आवेदन, पिछले दिनों प्रशासन ने आप लोगों से ज़रूरत न होने पर राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा था। इस क्रम में 1000 से अधिक कार्ड सरेंडर हुए हैं, यानी एक ज़िले की बात कर रहा है, एक ज़िले में इतना कार्ड सरेंडर हुई, यानी कि 75 ज़िलों में लगभग कई हज़ारों राशन कार्ड सरेंडर किए गए हैं। इसके बाद ज़िले का कोटा बढ़ गया है। राशन कार्ड के इच्छुक गरीब लोग विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें परिवार के मुखिया की जो है फ़ोटो, महिला है तो महिला की फ़ोटो लगती है, सभी सदस्यों के आधार कार्ड, जितने आपके बच्चे हैं मेंबर हैं सबका आधार कार्ड लगे, उसी हिसाब से यूनिट बनती है। आय प्रमाण पत्र व बैंक पासबुक की फ़ोटो कापी लगानी होगी। यदि ये चीज़ आपके पास अगर नहीं हो तो पहले आप इसको बनवा लीजिए, आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, और अगर पासबुक नहीं हो तो पासबुक खाता खुलवा लीजिए, और आधार कार्ड अगर किसी बच्चे का नहीं हो तो उसको भी आप बनवा लीजिए। इन सब चीज़ों को करके आप ऑनलाइन आवेदन करिए। आइए आपको वेबसाइट खोल के आपको दिखाते हैं कि कैसे वेबसाइट आपको ऑनलाइन करना। देखिए इसकी वेबसाइट रही https://nfsa.gov.in। इस पर आप ऐसे क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे आपको ओपन पे जो खुलेगा, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दाएं तरफ साइन इन रजिस्टर, यहाँ पे टिक मार्क बना हुआ है, आपको इसी क्लिक करना है। फिलहाल आपको नीचे देख लीजिए क्या क्या है, यहाँ पे PM की फ़ोटो लगी हुई है और इतने सब है, इसको पूरा नीचे तक आप इसका देख सकते हैं इसको क्या है। इसके बाद आपको क्लिक करना है, आपको रिसीव करना है जो साइन इन रजिस्टर का जो ऑप्शन है। देखिए जब इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो आता है, पब्लिक लॉगिन इन ऑफिशियल, तो आपको स्वयं करना है तो यहाँ पे आपको पब्लिक लॉगिन करना है। आप पब्लिक लॉगिन पे कर दीजिए, फिर यहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको यहाँ से देखें दिख रहा है आपको, इस प्रकार से आपको ये चीज़ें खोलना है। यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे आपको, जैसे ही साइड पर खोलेंगे यहाँ पर सब प्रोसेस आपको इसे चलता रहेगा। और सर्वर का इशू रहता है इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। तो आपको जैसे बताएं NFSA साइड यही है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे दाएं तरफ दिखाया गया है कि पब्लिक है या CSE, तो पब्लिक वाले आप क्लिक करेंगे तो आप अपने से देखिए साइन रजिस्टर है ना, साइन रजिस्टर यहाँ जैसे क्लिक पे पब्लिक लॉगिन है, पब्लिक वाले पे आप क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए आपका ये खुल के आ गया। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको आधार नंबर यहाँ भरना है, पिन कैप्चा कोड भरना है, मतलब सबसे पहले आपको आधार नंबर ही यहाँ पर आपको चूज करना है। जैसे आप करेंगे फिर जनरेट OTP क्लिक करेंगे, OTP आएगा, इसके बाद पूरा प्रोसेस आप खुल गया। जैसे आपको बताया गया है कि बैंक आधार कार्ड की फ़ोटो लगेगा, पासबुक की, ये सब चीज़ें आपको ये सब चीज़ें लगानी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लोगों को बताइए, क्योंकि बहुत से राशन कार्ड लोगों का नहीं बना है। ऑनलाइन जमा भर के आप इसको जो खाद्य आपूर्ति जो पुत्र इच्छक तहसील में होते हैं, तहसील में जो आपूर्ति विभाग के अधिकारी होते हैं वहाँ पर आपको जमा कर दीजिए। और क्योंकि अभी इतने ज़्यादा कार्ड सरेंडर हो गए हैं कि कार्ड काफ़ी मात्रा में खाली हैं हर ज़िलों में, तो आप इसको मौका ना गवाएं, आप इसको भर दीजिए। बस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद, उसको नमस्कार, जय।